That's Abdullah Iqbal. Pushes it back to his goalkeeper. And it's going to be a goal. Yes, it is. Oh, my God. What a horror. The stadium is erupted. Versus इंडिया में ये मैच खेला गया, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, आपने मैच देखा होगा, बहुत ही वन साइडेड मैच रहा और वन साइडेड मैच ही रहने की तवक्को भी। अच्छे खासे हम जमाने के अंदर रह रहे थे कि अब तो ऐसा फील ही नहीं होता था कि इंडिया में आराम से हरा दिया करेगा। बड़ा जिसको कहते हैं हम फाइट किया करते थे, कभी जीतते कभी हारते, लेकिन फुटबॉल के अंदर जो आज हमारे साथ हुआ है ना, मतलब कि मैं बयान नहीं कर पा रहा लफ्जों के अंदर जो हमारे साथ हो गई है। 4-0 दुला भाई, 4-0, एक गोल नहीं किया। अच्छा यही बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है भाई, अगर एक खेल को छोड़ दिया जाए उसमें भी हमारी कोई ओवरऑल पोजीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ इस खेल को आप साइडलाइन पर कर दें तो उसके बाद जो बाकी मानदा खेल है उनमें हमारी पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और यही आपको अभी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु में पता चला, साफ चैंपियनशिप फुटबॉल, और उसका इतना भयानक आगाज होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज पाक भारत टाकरा अगेन, मगर टाकरा इसलिए नहीं मैं कहूंगी बिकॉज फुटबॉल में तो हमारी कहीं भी आपस में बेटे मैच नहीं करती है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को बेंगलुरु के मैदान में रोंद के रख दिया। जी हाँ, भारत ने ये मैच 4-0 से जीत लिया, जिसमें भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 3 गोल किए। और मैच के दौरान हमने देखा कि प्लेयर्स और कोच के बीच में भारत और पाकिस्तान के आपस में भिड़ंत भी हुई। तो इस वीडियो में देखेंगे इसी मैच के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद जय भारत। आपको सुबह ही कहा था कोई चांस नहीं है, 2 प्लेंटी पे किए। छेत्री आपको बोला वर्ल्ड के टॉप गोल स्कोरर्स में से है फॉर कंट्री, वर्ल्ड के, तो ऑब्वियसली ही वाज टू मच। और एक गोल इनके उसने कर दिया, क्या नाम है, उदंता सिंह साहब ने, 2 प्लेंटी पे हुए। आप बाकी देखो रिजवान, जब आप 2-3 घंटे पहले, ये तो नॉन सीरियसनेस है आपकी टीम की, आपने कोशिश की आगे हो जाए, भाईजान है 1-2 दिन पहले जाते, सेटल इन होते, थोड़ी प्रैक्टिस करते, नर्व्स कंट्रोल में आते। जब आप सफर ही करते रहेंगे, घूमते रहेंगे तो फिर घूमते ही इंडिया जीते हैं। 25 बार इंडिया और 3 बार पाकिस्तान। लास्ट दफा कब जीता मुझे ये नहीं याद, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। तो बहरहाल बात यह है कि इट वॉज अ मिसमैच। आप जाते ही, ये फुटबॉल क्रिकेट है, एकदम नहीं जाते ही आप शुरू हो जाते, ले आओ जी ऐसी दी तैसी। और टीम भी बहुत तगड़ी, 22,000। रिजवान साहब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, बेंगलुरु में 6 लाख का भला करें, इतनी तेज बारिश होती रही है, 22,860 लोग थे। बारिश तो अच्छी है फुटबॉल में, और हॉकी में बारिश अच्छी होती है। फुटबॉल में कैसे अच्छी होती है, फुटबॉल में क्या फर्क पड़ता है जी बारिश से? जी कैसे अच्छी होती, क्या फायदा होता है भाईजान? फुटबॉल में कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश से, हाँ हैवी ना हो जाए कि पिच में बॉल घुमा लेनी चलनी मुश्किल हो जाए, ये क्रिकेट नहीं है। फुटबॉल में ठीक रहता है, बारिश हल्की फुल्की चलती रहती है, बहुत तो होता ना, आप तो कह रहे हैं अच्छा होता है, तो मैंने कहा अच्छा क्या खास, बुरा नहीं होता क्रिकेट की तरह, फुटबॉल में नहीं होता बुरा। सारी बात है, जब बहुत तेज होगी तो बॉल ही नहीं मूव करेगा, पानी में फंस जाएगा। अच्छा तो नहीं होता ना, फिर तो गड़बड़ हो सकती है ना। बारिश से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश काफी तेज थी और काफी तेज बारिश हुई है। हॉकी में तो जाहिर है खुद वो टर्फ पे पानी डालते हैं, लेकिन पानी डालते हैं तो सूखा सूखा ही रहे तो अच्छा रहता है। बोल आपकी टीम ने नहीं किया, मेरी टीम ने नहीं किया, इंडिया ने अपने घर के अंदर क्या हाल किया हमारा। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं सीरियसली, सच सच, मैं ये तो मैं जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम देखी है यार। ये अच्छा, ये एक तरह चलो मजाक भी है, लेकिन एक तरह से मजाक नहीं भी है। मजाक क्यों नहीं है, क्योंकि कितने अफसोस की बात है वलीद भाई, हम लोग, हमारी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं करती। हमारी सिर्फ पाकिस्तान में ना सिर्फ एक चीज को सपोर्ट मिलती है, वो है क्रिकेट, और उसको भी अद्धी पचद्धी देखिए ज्यादती क्या हुई है।
एनओसी नहीं पाकिस्तान ने पहले दिया, बेचारे मॉरिशियस में बैठे हुए थे, फोर नेशन टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो भी हारे हैं, एक सिर्फ गोल किया है और एक भी मैच नहीं जीते, तीनों हारे हैं। उसके बाद इधर आना था, एनओसी ने दिया, उसके बाद एनओसी जब मिल गया तो इंडिया वीजा नहीं दे रहा था, इंडिया ने वीजा इतनी देर बाद दिया कि इनको फिर टिकट नहीं मिल रही थी आने की। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो है 3 घंटे पहले इंडिया के अंदर लैंड किया बैंगलोर के अंदर, यार ये तो फिर जाती है, वहां से आके भी वो डायरेक्ट मैच खेल रहे, लेकिन इस तरह होगा तो कहां मतलब, लेकिन फिर भी ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन 4-0 मुझे नहीं समझ में आता, कम से कम 4-2 भी होते ना समझ आता, ये है गोल तो करो, फाइट तो करो, हारना है तो कम से कम फाइट करके तो बंदा हारे। आपने देखा पाकिस्तान के गोलकीपर को, वो गोलकीपर लग ही नहीं रहा था कहीं से, मतलब कि वो किस तरह से गोल को, इन लोगों के पास बेचारों के पास फैसिलिटीज ही नहीं है यार। वो आपकी बात सही है, पाकिस्तान 195 रैंक के ऊपर तभी है, अब हमने मैचेस देखना शुरू किए ना, एक तो सबसे बड़ी गलती है ये है कि हम पूरा पाकिस्तान ना क्रिकेट में बहुत ध्यान देते हैं, हम फुटबॉल में ध्यान देते ही नहीं। फुटबॉल आपको पता है आपके ओलंपिक्स में पहले कितनी कितनी वाम जाती थी, यानी हर गेम में आपके बंदे होते थे, और अब 3-4 रह गए हैं पीछे, और वो इतना सबसे छोटा ग्रुप पाकिस्तान का। अब आप देखिए इंडिया 101 रैंक के ऊपर है, पाकिस्तान से 94 रैंक का डिफरेंस है, ऐसे ही जो उनका सुनील छेत्री है जिसने आज हैट्रिक मारी है, उसके गोल्स आपको पता है 90 गोल उसने कर दिए है, वो तो अलग ही अपनी दुनिया में मैसी बना हुआ है, वो देखे ना उनका लेवल, क्यों फुटबॉल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे फुटबॉल का मैच हो वहां जाएगी, वहां पे स्टेडियम बना हुआ था, आपको बोला था लेजेंड आदमी है यार वो, दुनिया का चौथा इंटरनेशनल प्लेयर बन गया जिसके 90 प्लस इंटरनेशनल गोल्स हैं, एक्टिव क्रिकेटर, दैट्स क्रिकेटर हमारे मुंह पे इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि हम लोग भाई और स्पोर्ट को, हमारी गलती है हम तवज्जो ही नहीं देते भाई, पहले एक्टिव फुटबॉलर है लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद, जो कि रोनाल्डो के साथ आप वो सर फेरस खड़े हुए, लेजेंड लेजेंड है यार सुनील छेत्री की बात कर लें, लेकिन इंडिया की जो आप टीम देखें, जमीन और आसमान का फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। मुझे पता है बहुत सारी बातें हैं, ईसा सुलेमान ने भी बोला जो हमारा कप्तान है पाकिस्तान का, कि आज शाम 5 बजे एक लॉट पहुंची, एक लॉट सुबह पहुंच गई थी, एक लॉट शाम 5 बजे पहुंची क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे मसला हो गया था वहाँ क्लियरेंस का, फिर वो एक लॉट को फ्लाइट मिस करनी पड़ी तरह, लेकिन सवेरा ये कोई एक्सक्यूजेस तो नहीं है, साफ सीधी सी बात है, आपकी फुटबॉल और उनकी फुटबॉल में बहुत फर्क है, और सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की फुटबॉल के साथ ज्यादा फर्क है, हाँ अगर आप थके हुए ना होते आप ज्यादा से ज्यादा, तब भी मुझे लगता है आप हारते ही, ज्यादा से ज्यादा ये डिफरेंस कम हो जाता, जैसे साकिब ने मिस आउट किया, एक माइन्यूट ऑफ अ सेकंड की उसकी मिस जजमेंट हुई, वहां से गोल हो गया पहला सुनील छेत्री का, फिर उसके बाद अगला पेनल्टी, फिर उसके बाद एक और पेनल्टी, सिली मिस्टेक्स थी, बस ये मार्जिन ऑफ सिली मिस्टेक्स कम हो जाता, लेकिन जितना बड़ा फर्क था ना इंडिया की फुटबॉल और हमारी फुटबॉल में, वो तो आपको नंबर्स, अगर आप नंबर्स जाके देखें, स्टार्ट्स अगर आप देखें इस मैच के, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया की जो फुटबॉल टीम है वो बहुत सुपीरियर है, और पाकिस्तान की जो, और वो जो पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है वो अभी टीथिंग स्टेजेस के अंदर है, और बहुत फर्क और बहुत अरसा लगेगा सवेरा आपको उस मुकाबले पे पहुंचने के लिए। ग्लोबल रैंकिंग ये वो आईसीसी वाली रैंकिंग्स नहीं है सवेरा, ग्लोबल रैंकिंग मैटर करती है फीफा की, हम 195th हैं और वो 98 टीम है, इन दोनों एक 98 टीम और एक 195 टीम, जिन टीमों की रैंकिंग्स में 100 का फर्क हो उनके बीच में ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। आप अगर यहाँ नंबर जो बेसिक फुटबॉल के अंदर बेसिक देखी जाती है कि कितनी पोजीशन रही, कितने शॉट्स ऑन टारगेट थे, कितने कम्युलेटिव शॉट्स आपने मारे, कितने पासेस आपने या क्रिएट किए, उसका अगर आप फर्क देख लें पाकिस्तान और इंडिया का, जमीन और आसमान का फर्क है। 90% चलो कर लो, 90 नहीं तो 80% गेम तो सिर्फ पाकिस्तान के हाफ में हुआ है।